जो करेंसी है वो रिसेंटली जो है वो इंटरनेशनल करेंसी भी जो है उसको डिक्लेयर किया गया है। सो ये इतना शॉकिंग नहीं है क्योंकि तरजीहात का थोड़ा सा फ़र्क है। अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो हमारे यहाँ पे तरजीहात कुछ और हैं और इंडिया की तरजीह ये है कि वो अपने जो मुल्क को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस हैं। सो आई डोंट थिंक सो कि ये इतनी कुछ ज़्यादा मेरे नज़दीक कुछ बड़ी बात है। द वे दे आर प्लेइंग देयर फॉरेन पॉलिसी स्ट्रांगली वाइजली, द वे दे आर इकोनॉमिक पॉलिसीज में स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी उनकी जिस तरीके से मैं देखता हूँ मुसलसल उस चीज़ को, जिस तरीके से वो ग्लोबल साउथ को लेकर चल रहे हैं, जिस तरीके से वो एक एक असला प्रोड्यूस करने के वो सिलसिले में है। अब इंडिया यूएई से 1,40,000 किलो सोना खरीदने जा रहा है वो भी विदाउट टैक्स। जो ताल्लुकात पाकिस्तान और यूएई के दरमियान कायम होने चाहिए थे एज अ मुस्लिम कंट्री वो इंडिया। बंधुरा এই মুহূর্তে সবথেকে বড় খবর এখন এটাই যে ভারত আর ইউএ এর মাঝে যে সম্পর্ক এখন সেটা নেক্সট লেভেলে চলে গেছে। ভারত আর ইউএ এর মাঝে ফ্রি ট্রেড এগ্রিমেন্টও চুক্তি আছে আর এরই কারণে ভারত আর ইউএ এর মাঝে আজকে এর কারণেই কিন্তু $70 বিলিয়ন আশেপাশে দুই দেশের মাঝে ব্যবসা হয়। আর ভারত এখন ইউএ এর সাথে 1,40,000 কিলোগ্রাম সোনাকে কিনতে চলেছে, যেখানে এর আগেও 2,00,000 কিলোগ্রাম সোনাকে ইউএ থেকে কিনেছে ভারত। তো এখন আবারও 1,40,000 কিলোগ্রাম সোনা ভারত ইউএ থেকে কিনবে, যেটি ভারতের গোল্ড রিজার্ভ বাড়বে। এর সাথে সাথে ভারত আর ইউএর ব্যবসাও বাড়বে, সাথে ভারতের ইকোনমি আরো শক্তিশালী হবে। যেখানে আজকের দিনে ডলারের প্রাইস কিন্তু বাড়ে আর কমে, সেখানে আবার ডলারের উপর প্রতিবন্ধকতা লাগলে ডলারকে আমরা ব্যবহার করতে পারবো না। তো সেখানে আবার সোনার কথা বললে সোনার ব্যবহার আমরা সর্বদা সব জায়গায় সব ক্ষেত্রে করতে পারবো। এই কারণে এখন ভারত সোনাকে ফরেন রিজার্ভ হিসাবেও রাখছে। আপনাদের বলে দিই যে ইউএর ভেতরে ভারতীয়দের অনেক অনেক সম্মান দেওয়া হয়, এমনকি পাকিস্তান আর বাংলাদেশ তারা ভারতের নাম নিয়েও চলে। সেখানে ইউএ আমাদের ভালো বন্ধু, কিন্তু সেখানে পাকিস্তানিদের ইউএ থেকে সম্পূর্ণ বাইরে বের করে দেয়, কারণ পাকিস্তান বাংলাদেশ তারা সর্বদা সেই সমস্ত দেশগুলোতে উল্টো পাল্টা কাজ করে, যেমন ভিক্ষাবৃত্তি চুরি যত রকম অপকর্ম তারাই করে, আর এই কারণে পাকিস্তান বাংলাদেশিদের অনেক অপমান করে তারা। চলুন বন্ধুরা পুরো বিষয়টির উপর পাকিস্তানি মিডিয়ার রিয়াকশনটা কি দেখে নিন। कि इंडिया और यूए के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो दिन ब दिन बेहतर से बेहतरीन होते जा रहे हैं और इंडिया के और यूए के दरमियान कुछ अर्सा पहले एक जो है डील साइन हुई थी कि दोनों कंट्रीज़ के दरमियान जो भी ट्रेड होगी उसमें ये दोनों कंट्रीज़ एक दूसरे के ऊपर टैक्स लागू नहीं करेंगे। अब इंडिया जो है वो यूए से 1,40,000 किलो सोना लेने जा रहा है विदाउट एनी टैक्स। क्या कहेंगे आप इस पर? जी कहना बस यही है कि इतना कुछ ज़्यादा शॉकिंग चीज़ तो नहीं है ये, क्योंकि अगर तो आप कंपैरिजन में चले जाएं तो इंडिया की जो करेंसी है वो रिसेंटली जो है वो इंटरनेशनल करेंसी भी जो है उसको डिक्लेयर किया गया है। सो ये इतना शॉकिंग नहीं है क्योंकि तरजीहात का थोड़ा सा फ़र्क है। अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो हमारे यहाँ पर तरजीहात कुछ और हैं और इंडिया की तरजीह ये है कि वो अपने जो मुल्क को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस हैं। सो आई डोंट थिंक सो कि ये इतनी कुछ ज़्यादा मेरे नज़दीक कुछ बड़ी बात है, क्योंकि जारी सी बात है कि जैसे उस कंट्री की तरजीह अपने मुल्क को आगे लेके जाने की है, सो इस तर्ज की मज़ीद चीज़ें जो वो आने वाले वक्त में हम देखेंगे कि वो मज़ीद करेंगे। अच्छा, हमने ना कुछ दिन पहले ये खबर सुनी और इस पर हमने काम भी किया, वीडियो भी हमने रिकॉर्ड की कि इंडिया और यूए के दरमियान जो है ऑयल डील हुई है। जैसे आपने बात की इंडिया की करेंसी की और इंडिया ने यूए को जो पेमेंट की थी वो इंडियन करेंसी के अंदर की थी। जी जी बिल्कुल, सिर्फ यू ही नहीं और भी तकरीबन 16 से 17 ममालिक ऐसे हैं कि जिनके साथ इंडिया की जो ट्रेड चलती है, और इस साल से जो है वो ट्रेड पहले डॉलर्स में वो करते थे, लेकिन आफ्टर दैट के जब उनकी अपनी करेंसी जो है वो इंटरनेशनल डिक्लेयर हुई है, सो उनकी अब जितनी भी ट्रेड है वो तो उनकी अपनी करेंसी में हो रही है। सो इसका जो है वो बेनिफिट उनको बहुत ज़्यादा है, और आई होप के हम भी इस तरफ थोड़ा सा तवज्जो दें कि हम अपनी चलें करेंसी को फिल फॉर तो इंटरनेशनल नहीं कर सकते, लेकिन हाँ मुआशी हालात को कुछ बेहतर कर लें ताकि और कुछ ना हो तो हमारी आवाम को तो फायदा हो। द वे दे आर प्लेइंग देयर फॉरेन पॉलिसी स्ट्रांगली वाइजली, द वे दे आर इकोनॉमिक पॉलिसीज में स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी उनकी जिस तरीके से मैं देखता हूँ मुसलसल उस चीज़ को, जिस तरीके से वो ग्लोबल साउथ को लेकर चल रहे हैं, जिस तरीके से वो एक एक असला प्रोड्यूस करने के वो सिलसिले में है, जिस तरीके से वो लिथियम को एक्वायर कर रहे हैं, जिस तरीके से वो पेट्रोलियम अपनी सेफ्टी चाहते हैं इन्फ्लेशन ना आए, जिस तरीके से अपने वो सी रूट्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो दे आर अचीविंग द टारगेट ऑफ बीइंग अ सुपर पावर। अमेरिका को सबसे बड़ा इशू इस वक्त ये है, बल्कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन को सबसे बड़ा मसला ही उनका यही नजर आ रहा है कि उनकी इकॉनमी इतनी तेजी से आगे जा रही है और वो आंखें भी दिखा रहे हैं साथ। और दूसरा मैं सबसे ज्यादा मैं क्योंकि खुद
एक इमिग्रेंट हूं, जो मैं सबसे ज्यादा बात उनकी प्रेज करता हूं कि इंडियन डायस्पोरा इज द स्ट्रॉन्गेस्ट डायस्पोरा, स्ट्रॉन्गेस्ट डायस्पोरा ऑन द प्लेनेट, रिगार्डलेस एनी कंट्री यू पिक अप, कोई भी, आप भारत देख लें, ना कनाडा देख लें, अमेरिका देख लें, यूके देख लें, आप साउथ अफ्रीका देख लें, साउथ अफ्रीका का पिछला जो प्राइम मिनिस्टर था जो उनका, उसका वो गुप्ता, क्या नाम था उसके साथ, गुप्ता साहब थे जो बहुत बड़े वहां पे, वो जिनके ऊपर करप्शन के चार्जेस थे, दुबई देख लें आप, दुबई देख लें आप, वहां पे देख लें इंडियन डायस्पोरा की अमीर तरीन डायस्पोरा, स्ट्रॉन्गेस्ट तरीन है, अबूजाबी में जिसकी हम अभी बात कर रहे थे कि वहां पे मंदिर सबसे बड़ा बन रहा है, आप उसकी मिसाल देख लें, उसके उसके पीछे क्या है, उसके पीछे डायस्पोरा है। न्यू जर्सी के अंदर बहुत बड़ा मंदिर बन रहा है इस वक्त, अमेरिका का सबसे बड़ा मंदिर, वो भी डायस्पोरा बना रहे हैं, वॉलंटियरिज्म कर रहे हैं, दे आर कमिटेड टू देयर कॉज, दे आर कमिटेड टू द रिलीजन, दे कमिटेड टू इंडिया। इससे सीखना होगा आपको, मैं हमेशा यही कहता हूं, हमारे सुनने वाले सबसे बड़ा मुझसे यही कहते हैं कि पता नहीं शायद ये इंडिया भगत है, ये क्या इंडिया गीत, और मैं ये कहता हूं सीख लो ना, कुछ सीखना होता जैसे आपने अफगानिस्तान से भी सीखने की कोशिश की, आपने तालिबान के जश्न मनाए हैं, अगले मुंह से चौके मारी जाए, उन्हें क्या परा करो, उन्हें अपने मिसाइल का नाम ही चेंज करो। आउट ऑफ कंट्री अगर मैं बात करूं, कहीं किसी भी कंट्री ले लो, गल्फ ले लो, चाहे जो मर्जी ले लो, कौन सी कौम की ज्यादा रिस्पेक्ट है, पाकिस्तानी की, इंडियंस की, बांग्लादेश की, अफगानिस की? इंडियंस की, इंडियंस की रिस्पेक्ट है। हम अभी रिसेंट, अरे बंदा ही इंडियंस कह रहा है, कोई तो पाकिस्तान का नाम लो, वरना ये वीडियो देखने वाले मुझे लोग कहते हैं कि भाई ये इंडिया की तारीफें करवा। सुने, हम अभी रिसेंटली विजिट करके आए हैं दुबई, तो उसमें हमने देखा है पाकिस्तानी की कोई इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं है। आप शुरू हो जाएं ऑल द वे फ्रॉम एयरपोर्ट और जहाँ पे भी चले जाएंगे ना, आप लोगों को पता चल जाता है हमारी ड्रेसिस से अगर शलवार कमीज पहनी हुई है, तो वो यही है, वो पाकिस्तानी की उतनी रिस्पेक्ट नहीं है जितनी इंडियंस की है। इंडियन थोड़ा सा मेरा ख्याल है कि अपनी वो आप समझ लें कंट्री की वजह से या अपने ओवरऑल कल्चर की वजह से या उनका जो एक पॉपुलेशन है उसकी वजह से सारी दुनिया उनकी रिस्पेक्ट करती है कि उनको वहाँ से ज़्यादा बिजनेस मिलता है, मे बी ये रीज़न हो। आप क्या कहेंगे? जी जी बिल्कुल यही बात है। हम रिसेंटली आपको जैसे भाई ने बताया लास्ट मंथ हम गए हैं उधर दुबई में और हमने देखा है वहाँ पे और इंडियन की बहुत रिस्पेक्ट, मतलब हमसे कई गुना ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं इंडियन। अच्छा, रिस्पेक्ट देकर क्या करते हैं? रिस्पेक्ट रोड पे चल के रिस्पेक्ट मिलती है या क्या रिस्पेक्ट किस अंदाज से आप बात कर रहे हैं रिस्पेक्ट की? क्या आप किसी भी, आप किसी शॉपिंग मॉल में चले जाएं, आप किसी जगह पे कुछ सैर करने के लिए चले जाएं, वहाँ पे हमने देखा है पाकिस्तानियों को उतनी रिस्पेक्ट नहीं दी जा रही जितनी इंडियंस को दी जा रही है। रिस्पेक्ट किस एंगल से बात कर रहे हैं आप? जॉब देने के हवाले से, बात करने के हवाले से या फर्स्ट पे रखने के हवाले से? ऐसे ही आप समझ लें कि जो लीस्ट प्रायोरिटी है वो पाकिस्तानियों को दी जाती है, इसी तरह से ही। इतने बड़ी दुख की बात है, अब ये सच्चाई बता रहे हैं। अब यहाँ पर ये वीडियो में देखने वाले लोग पता नहीं इसको समझते हैं कि हम लोग पता नहीं लोगों को खुद बुलवा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अब ये विजिट करके आए हैं। नहीं नहीं, अभी रिसेंटली जैसे भाई ने बताया लास्ट मंथ हम वहाँ पे थे, तो जिस जगह पे भी हम गए ये नहीं कि वो हमें रिस्पेक्ट नहीं दी गई, हमें भी दी गई है, लेकिन जितनी दूसरे, मतलब आप समझ लें कि हम वहाँ से निकल के सऊदीया गए हैं, उमरा के लिए गए अल्हम्दुलिल्लाह, तो वहाँ पे हमने देखा कि दूसरी कंट्रीज़ के जितने भी लोग, इवन बांग्लादेश के लोग जो वहाँ पे आ रहे हैं, उनको वहाँ पे होटल के मैनेजर्स गेट पे रिसीव करने के लिए आते हैं और पाकिस्तानी जो है वो रिसेप्शन पे 8-8 घंटे इंतज़ार कर रहे हैं कि कमरे खाली होंगे तो हम कमरों में जाएंगे, ये सिचुएशन है।